patta. Do you want this? You cannot take this. Behold, the queen. कितनी जल्दी आई है कैमरा देख के. चलो उधर देखो. नहीं इधर देख लो क्या हो रहा है. You are not tall enough, Anu. Yes, I am. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. If you like such topics, then don't forget to subscribe for many more. आज का दिन काफ़ी बिजी रहा, प्रोडक्टिव रहा और साथ ही एक्सपेरिमेंटल भी रहा. कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा. आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड अबाउट इट, लेकिन आप लोग भी बताना कि आपको वो कैसा लगा. तो आगे चलते रहिए वीडियो में मेरे साथ, आपको पता लग ही जाएगा. फिलहाल सुबह का सारा काम हो गया है और मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी. कल मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, वो रखी हुई थी, तो बस ब्रेड स्लाइस के बीच में उसको फिल करके इसका मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ. किचन थोड़ी सी अस्त व्यस्त आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी. सिंक में कुछ बर्तन है जो अभी मुझे लोड करने हैं. तो कई बार जो है वो सुबह को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट मुझे टाइमली नहा धो के दिया बाती करनी होती है. तो जब भी कभी इस तरह से सूखी सब्जी बचती है तो मैं ऐसे ही ब्रेड स्लाइस के बीच में लगा लेती हूँ, या फिर अगर रोटी भी रखी हो तो रोटी सब्जी अलग अलग गर्म ना करके मैं रोटी के अंदर भी सब्जी भर के और इस तरह से सैंडविच मेकर में या फिर तवे पे सेक लेती हूँ. तो है तो वही चीज़ें रोटी सब्जी, बट देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग और टेस्टी लगती है. तो मैं इसी तरह से करती हूँ और आप लोग भी करते हैं क्या, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना. तो ब्रेड स्लाइस पे दोनों तरफ बटर लगा के मैंने क्रिस्पी सी ये टोस्टी या फिर सैंडविच बना के तैयार कर लिया है. हार्डली टेक्स 2 मिनट्स. और अपने आप को इस तरह की स्पेशल ट्रीट देना बहुत ज़रूरी होता है. लव दिस काइंड ऑफ सैंडविचेस. और ये देखिए स्टफिंग कितनी अच्छी और गर्मा गर्म सैंडविच, लव इट. तो बस मैं इसको एंजॉय करने वाली हूँ ब्लैक कॉफ़ी के साथ. कर चुकी हूँ और उसके बाद मैंने किचन में किया है ये एक्सपेरिमेंट. क्या एक्सपेरिमेंट किया है आपको पता लग ही गया है. मैंने फ्रिज को इधर सरका दिया है, जस्ट अपोजिट साइड में, पहले बिल्कुल सामने की तरफ था. तो पहले मैंने मेजरमेंट वगैरह लिए और उसको देख के मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे सही आना चाहिए, बट लग के ये कैसा लगेगा यहाँ पे वो थोड़ा सा मुझे डाउट था. बट रखने के बाद ये लिटरली मुझे बहुत सही लगा. काम तो थोड़ा मेरा बढ़ा क्योंकि फ्रीज़र की तो ट्रेस मैंने डायरेक्टली ऐसे ही निकाल के बाहर रख दी थी, लेकिन फ्रिज मुझे पूरा ही खाली करना पड़ा. और कैसे कैसे मैंने ये फ्रिज इधर किया है ये बस मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मुझे करके देखना था. मैंने साहब को नहीं बोला एंड ही वॉज लाइक दीपिका बस दिमाग में जो एक बार चढ़ जाना वो तुझे करना ही होता है. तो फ्रिज जो है वो इधर की तरफ रख दिया है और अच्छा लग रहा है मुझे. तो अगेन आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है. अच्छा, इधर की तरफ 1.25 मीटर की ये जगह बची है और जो वो पीछे दरवाज़ा है किचन का वो हमेशा हम एक ही खोलते हैं, दूसरा हम नहीं खोलते हैं. तो वो एक आराम से खुल रहा है. पेंट्री का जो दरवाज़ा है वो भी आराम से खुल रहा है, सामने खड़े भी हो सकते हैं. तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई कि फ्रिज यहाँ रखने से कुछ जगह की कमी हुई है. इवन आपको शेडो से भी लग रहा होगा कि जो दरवाज़ा है वो दूसरा भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है. और सारी चीज़ें जो है ना वो अब सिंक्रोनाइज हो गई हैं, एक एल शेप में आ गई हैं. कई बार मुझे लगता था कि बेचारा फ्रिज इधर की तरफ अकेला खड़ा है पूरे परिवार से दूर, तो अब मैंने इसको बिल्कुल परिवार के साथ कर दिया है. और यहाँ पे जो है ये ईवी का शैम्पू रखा हुआ है. एक्चुअली शैम्पू पहले भी था, विकास को मॉइस्चराइज़र बोला था लाने के लिए और वो शैम्पू ले आए. पनीर बना के रखा है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे. और इधर जो है वो ईवी की बॉटल्स मैंने स्टरलाइज करी हैं. यहाँ पे रखा है ढेर सारा जिंजर जिसको मैंने वॉश कर दिया था. तो काउंटर स्पेस एवरीथिंग इज सेम. और ये जगह हो गई है बिल्कुल खाली जहाँ पे फ्रिज था. तो यहाँ के लिए मैं कुछ DIY करने वाली हूँ. और आइडिया क्या बोलूँ, मेरा मन बस इसलिए किया उस दिन जब विकास खड़े होकर मटर के पराठे वहाँ खा रहे थे. देन आई वाज लाइक कि कुछ ना कुछ होना चाहिए किचन में भी सिटिंग अरेंजमेंट। तो बस उस दिन से जो है वो दिमाग में चढ़ी हुई थी। तो मैंने फ्रिज इधर सरकाया और शायद कुछ लोग अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि मैं उस स्पेस में क्या करने वाली हूँ। तो चलिए वो आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो अदरक है ये, इसको मैं इस तरह से पेपर लाइनर लगा के और इसको बॉक्स में रख दूँगी। एक्चुअली मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना है, मसाला क्यूब भी बनानी है चाय वाली, लेकिन आज टाइम नहीं मिल पाएगा तो इसीलिए अभी इसको रख दूंगी। शायद मैं कल या परसों इसको मैं बनाऊं। तो इस तरह से ये ड्राई रहेगा, मॉइस्ट नहीं होगा। और चलिए बस अब फटाफट जो है वो लंच की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मैडम मेरी सोई हुई हैं, उठ जाती हैं तो फिर तूफान मचा के रखती हैं। और पनीर आपने देखा ही है, तो आज पनीर की भुर्जी या फिर स्क्रैम्बल्ड पनीर मैं बनाने वाली हूँ। बट ढेर सारी वेजिटेबल्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और बहुत ही सिंपल सी ये एक रेसिपी है और बहुत मॉइस्ट बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दो मैंने स्मॉल साइज़ की यहाँ पे रेड अनियन ली हैं, दो यहाँ पे स्मॉल साइज़ के टोमेटोज़ हैं जिनको मैंने पील कर लिया है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है उनको मैं नॉर्मली पील कर ही लेती हूँ। प्योरे बना रही हूँ तो फिर स्किन के साथ हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट टमाटर का छिलका बोलते हैं कि इंसान के पेट में भी नहीं गलता है, वो एज इट इज़ ही बाहर निकल जाता है। तो जहाँ तक होता है मैं पील कर लेती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर है, शिमला मिर्च थी मेरे पास तो वो भी मैंने इस तरह से चॉपर में छोटे छोटे चंक्स करके डाल दी है। अच्छा, किसी ने पूछा था कि मैनुअल चॉपर में चीज़ें साबुत डाल दो तो वो चॉप कर देता है क्या? तो ब्लेड्स ख़राब हो जाएंगे, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, पुल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बेटर है कि थोड़ा सा इस तरह से चाकू से मोटा मोटा कट करके डाल दें, तो आपकी भी मेहनत बच जाएगी, चॉपर की भी मेहनत बच जाएगी। और बस यहाँ पे अब हम इसको फाइनली चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए बस 3-4 बार ही मैंने इसको पुल किया है और यहाँ पे ये सब्जियों का हमारा एक बिल्कुल फाइन मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। तो सारी चीज़ें बस एक साथ ही करनी है। इसके बाद कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल चढ़ाया है और इसको जैसे ही हम गरम करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। अच्छे से भुनने देंगे और उसके बाद ये जो सारा मिक्स है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसके बाद इसे हमें अच्छे से भूनना है। लगभग 3-4 मिनट लग ही जाते है मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको भूनने में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। आपको इसके टेक्सचर से ही पता लग जाएगा कि चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल गई हैं। कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये श्रिंक हो जाएगा, उससे आपको अंदाज़ा होगा। तो जब तक हमारी वो सब्जियां पक रही हैं तब तक हम यहाँ पे फटाफट दाल तड़का बना लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में घी डाला है, घी जैसे ही गर्म हुआ उसमें हींग और जीरा मैंने ऐड कर दिया है, फिर धनिया पाउडर डाला है, फिर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली है। और इसको हल्का सा ही बस हम यहाँ पे सौते करेंगे। इसके बाद जिंजर गार्लिक की जो फ्रोजन क्यूब है वो मैंने ऐड कर दी है। फ्रेश भी डाल सकते हैं या पेस्ट डाल दें या कुटा हुआ डालें, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उड़द की दाल है ये, 2 लैडल भर के मैंने भिगो के रख दी थी। मेरे ख्याल से आधा घंटा तो हो ही गया होगा। और उसमें मैंने 2 कप के करीब ये पानी ऐड करा है। सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से और बस प्रेशर कुकर के लेड लगा देंगे। 2 से 3 विसल में ये डन हो जाती है। और एक कमेंट मेरे पास आजकल बहुत आ रहा है कि आप दाल को घोटने से नहीं घोटते हैं क्या? तो हमारे यहाँ इस तरह से घुटी हुई दाल नहीं खाई जाती है। तो हर घर का जो है वो अलग प्रेफरेंस होती है। तो यस, मैं अपनी दाल को दाल घोटने से नहीं घोटती हूँ। तो बस अब यहाँ पर हमारी फटाफट दाल रेडी हो जाएगी। बहुत ही क्विक फिक्स ये दाल होती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। ईवी भी आजकल इसको एंजॉय करने लगी है। इधर जो हमारा पनीर भुर्जी का मसाला है वो भी रेडी हो गया है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालकर एक बार थोड़ी देर इसको और हम भून लेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। और उस 1-1.5 मिनट में आप देखेंगे कि इसका जो रंग है वो बहुत ही प्लेजेंट सा हो जाएगा। किनारों से जो ऑयल है वो भी सेपरेट होने लगेगा और बिल्कुल ही घुला घुला सा, एक जान सा ये एक मसाला हो जाएगा। ये अगर ऐसे भी आप रोटी के साथ खाएं ना एज अ चटनी तो भी बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा बस अमचूर डाल लें, बट हाँ इस रेसिपी में अमचूर नहीं डालना है। और बस इसके बाद हमने इसके अंदर पनीर ऐड कर दिया है। तो पनीर को मैंने कुछ भी सेट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था इस तरह से स्क्रैम्बल्ड ही बनाना है मुझे। और पनीर डाल के इसको हल्का सा हम मैश कर देंगे, जो बड़े बड़े सॉलिड्स हैं इसके अंदर वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी ये एक फिलिंग तैयार होती है। आप चाहें तो ब्रेड के बीच में भर के इसके सैंडविच भी बना सकते हैं या फिर आप पकौड़ा भी बना सकते हैं इसका, ब्रेड के बीच में भर के और बेसन में लपेट के चाहे तो आप बना लें। हाँ, अगर पराठा आप बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा मॉइस्ट है उस हिसाब से, उसमें फिर आपको थोड़ी बहुत ट्रिक इसमें करनी पड़ेगी, इसको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ेगा या फिर आपको इसमें पोहा वगैरह मिलाना पड़ेगा। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें मैंने एक ही चीज़ से बता दी कि आप कितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वेल, हम तो बना रहे हैं स्क्रैम्बल्ड पनीर और इसको जो है हम बिल्कुल मॉइस्ट रखेंगे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है, उससे जो है ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है, बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर रहता है और ऐसा भी नहीं लगता है कि गले में ये अटक रही है सूखी सब्जी। और बस इसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और 2-3 मिनट में जो है वो इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा, आपको किनारों से जो है वो लाल लाल रंग दिखाई देने लगेगा। और बस इसी पॉइंट पे आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर आपके पास धनिया पत्ती है और आपके घर में सब लोग खा लेते हैं तो ऊपर से आप इसमें धनिया पत्ती जरूर डालें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस देखते ही देखते यहाँ पे हमारा जो स्क्रैम्बल्ड पनीर है वो भी तैयार हो गया है। दाल जो है मेरी वो भी ऑलमोस्ट डनी हो गई है। मैंने एक विसिल लगा के उसको सिम पे कर दिया था 2-1 मिनट के लिए और फिर एक विसिल लगा के मैंने फिर उसको बंद कर दिया है। चावल चढ़ा दिए इधर मैंने और ऑयल जो है वो ख़त्म हो रहा था तो वो मैं इस तरह से बॉटल में डाल रही हूँ। इसके लिए भी सवाल आया था कि ऑयल बॉटल्स आप किस तरह से क्लीन करती हैं। तो जब ऑयल ख़त्म हो जाता है इसमें वही गर्म पानी, थोड़ा सा डिश सोप लिक्विड डाल के और इसको अच्छे से रिंस कर लेती हूँ, बहुत ही ईजिली ये क्लीन हो जाता है। एक ब्रश है बॉटल वाला, उससे मैं क्लीन करती हूँ। बॉटल ब्रश हर जगह आपको आसानी से मिल जाता है, जिससे आप बच्चों की बॉटल भी क्लीन करते हैं। तो ईवी वाला यूज़ नहीं करती हूँ, इनके लिए मैंने अलग रखा हुआ है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इनको क्लीन कर सकते हैं। और मैडम हमारी उठ के आ गई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और आते ही सबसे पहले उन्होंने जो है वो कैबिनेट खोली है और सामने ही योगर्ट मेकर रखा होता है, उसको लेकर वो लिविंग रूम में जाती हैं और वहाँ पे बैठ के वो दही जमाती है, खेलती हैं उसके साथ। कितने ही खिलौने दे लो बट मज़ा जो है वो किचन के बर्तनों से ही आता है। चलिए बात करते करते यहाँ पे आटा जो है वो भी मैंने रिफ़िल कर लिया है और साथ साथ जो है वो क्लीनिंग भी करनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर बाद में बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो पहले मैं काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, उसके बाद जो ये डिब्बा है ये मैंने इस बार वॉश नहीं किया है। लास्ट टाइम मैंने वॉश किया था तो 2 बार मैं इसी तरह से लाइक 2 बार रिफ़िल कर लेती हूँ मैं इसको और फिर मैं इसको वॉश करती हूँ। तो जो डिब्बा है वो भी क्लीन कर लिया था, फुलके बना लिए थे मैंने। और ये थी हमारी लंच की थाली, उड़द की दाल। और अच्छा हाँ, उड़द की दाल में मैंने बाद में थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था। और साथ में है हमारा स्क्रैम्बल्ड पनीर और साहब की ये थाली है तो इसीलिए हरी मिर्ची आपको दिखाई दे रही है। चावल है और साथ में है रोटी। इट इज़ सो सेटिस्फाइंग विंटर थाली, ट्राई ज़रूर करना। और बस लंच करने के बाद थोड़ी देर बैठे और कैमरा मेरे हाथ में देखते ही मैडम भागी भागी आई हैं कि बस हमें दे दो। और क्रिसमस ट्री जो है वो आपको सामने दिखाई दे ही रहा है। तो आज का प्लान है क्रिसमस ट्री लगाने का। मोस्टली लोग डेकोरेशन जो है वो ब्लैक फ्राइडे से वाले वीकेंड पे ही कर लेते हैं या फिर यूएस में जिसको थैंक्स गिविंग बोला जाता है तो उस वीकेंड पे सभी लोग कर लेते हैं। बट हम तो देर ही कर देते हैं एक्चुअली, बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए। तो आज जो है वो हम ट्री लगा देंगे, डेकोरेशन कब तक होगी लेट्स सी। तो ट्री का भी जो है वो थोड़ा सा डाउट ही है कि मैडम छोड़ेंगी नहीं छोड़ेंगी, बट लगाना तो है ही, बाकी देखा चाहिए कि क्रिसमस तक ट्री की क्या हालत रहती है। तो फिलहाल तो वो बॉक्स के ऊपर से ही नहीं हट रही है, उसको बॉक्स के ऊपर ही बैठना है। पूरा लिविंग रूम छोड़ के उसको यही सिंहासन सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। और इधर जो है वो साहब ब्लैंकेट में बैठे, पहले उन्होंने हटा दिया कि नहीं ब्लैंकेट में मत दिखाना ना। आई वाज लाइक नहीं मैं तो कैमरा घुमा रही हूँ, तो वो मुंह ढक के बैठ गए। आजकल एक्चुअली ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि पूछो ना, सिंगल डिजिट में टेम्परेचर रहता है, रात को माइनस चला जाता है और हीटिंग ऑन रहती है बट स्टिल फीलिंग लाइक सो कोल्ड। तो चलिए अब क्या करते हैं, ट्री लगाते हैं। ईवी को बैठा दिया है हाई चेयर में और टीवी ऑन कर दिया है। लिटिल बेबी बम उसकी नर्सरी राइम्स चलेंगी और हम यहाँ पे लगाएंगे ट्री। तो ये वाला कॉर्नर हमने सेलेक्ट किया है ट्री के लिए। एक्चुअली यही स्पेस बच रहा है और कोई स्पेस था ही नहीं जिधर हम ट्री लगाएं। मोस्टली विंडो के सामने लगता है लेकिन उधर सोफ़ा है हमारा, और अगर बिल्कुल सोफ़ा के बराबर में लगाएंगे तो फिर वो आने जाने में दरवाजे में लगेगा। तो हमें लगा कि यहीं पर रखते हैं और फिर प्रेजेंट्स भी रखे जाएंगे तो थोड़ा स्पेस होना चाहिए। और ट्री जो है आई थिंक ऑलमोस्ट 3 साल पुराना है। आई थिंक ये हमारा लास्ट ईयर तो लगाया ही नहीं था क्योंकि मूविंग के प्रोसेस में थे। और जब भी ट्री लिया था आई थिंक मैंने शेयर भी किया था, विल्को से लिया था हमने। बहुत ही ईजी है असेंबल करना और हर स्टेप बाय स्टेप इस पे जो है वो लिखा हुआ है। और इस बार अद्वी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और हम तीनों ने ये मिलके ट्री लगाया, पूरा अच्छे से फ्लफ किया। टोटल डेकोरेशन एवरीथिंग सब कुछ होने में 1 से 1.5 घंटा हमें लग गया था। मैंने तो खैर बात का पार्ट नहीं किया, वो अद्वी और विकास यही दोनों कर रहे थे क्योंकि ईवी की इवनिंग नैप का टाइम हो गया था। मैं उसको सुलाने चली गई थी और साथ साथ मैंने भी एक झपकी ले ही ली थी। तो बस इनको देख रही हूँ, ये लोग लगा रहे हैं। मुझे थोड़ी बहुत ब्रांचेस दे देते हैं तो मैं लगा रही हूँ, अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद मेरी ज़रूरत थी ही नहीं ट्री लगाने में। अद्वी जो है वो पूरा पार्ट प्ले कर रही थी। और बस ट्री यहाँ पे असेंबल हो गया है। इसके बाद ट्री की जो लाइट है वो लगानी है, इसके बाद जो डेकोरेशंस हैं वो इसके ऊपर लगानी है। डेकोरेशन वाला जो पार्ट होता है ना, जो बॉबल्स लगानी है, जो भी ऑर्नामेंट लगाने हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि किस किस तरह से करने हैं। बट इस बार वो फन मैंने मिस कर दिया क्योंकि जब मैं नीचे आई तब तक ट्री जो है वो लाइट अप होके बिल्कुल रेडी था। तो ये कुछ क्लिप हैं जो अद्वी ने रिकॉर्ड करी हैं उस टाइम पे, और इस तरह से लाइट लगा रहे हैं। और ये प्रिलिट वाला नहीं है, अलग से ही हम लाइट लगाते हैं। वार्म लाइट हमने ली हुई है LED, और आई थिंक 400 बल्ब्स हैं इसमें। बहुत ही अच्छे से जो है ये आ जाती है इस पूरे ट्री के ऊपर, बहुत ही वार्म सा इफेक्ट देती है। और इन दिनों जो है बाहर निकलो, हर जगह डेकोरेशन हो रही है, सबके घरों में बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, एटलीस्ट अपनी सोसाइटी का तो शेयर ही करूँगी। ये लास्ट ईयर के ऑर्नामेंट है, मैंने आपको दिखाए भी थे। तो इस बार ये फाइनली यूज़ होने वाले हैं। ये हमने क्रिसमस मार्केट से लिया था। और ये देखिए ट्री की जब लाइट्स ऑन हुई हैं कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। बाकी की जो लाइट्स हैं वो स्विच ऑफ कर दी थी तो बहुत ही कोजी सा वार्म सा इफेक्ट आता है और ये वाइब डिफरेंट ही होती है बिल्कुल। और बस इसके बाद जितने भी बॉबल्स थे वो सब लगा दिए हैं, अद्वी ने रिबन भी लगा दिया है। और अब बारी है स्टार लगाने की। तो ट्री टॉपर यहाँ पर स्टार भी अद्वी ने लगा दिया। मैं बोल रही थी कि हाथ नहीं जाएगा बट शी इज लाइक नो मम्मा आई एम टॉल, और लिटरली उसने लगा ही दिया। तो यहाँ पे अब उसको थोड़ा सा सीधा कर रही थी। तो ट्री इज लुकिंग सो गुड, सो ग्रेसफुल, लव्ड इट। इस बार हमने बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट नहीं लगाए इसके ऊपर, बहुत ही थोड़े थोड़े लगाए हैं। नीचे की तरफ तो बहुत ही कम रखे हैं, बाकी देखते हैं कि ईवी कैसे छोड़ती है। और मैं बोल रही थी ना काफ़ी प्रोडक्टिव बेसी रहा। तो सुबह जो है मैंने ऊपर की बेडशीट्स वगैरह सब कुछ ही चेंज करी थी। और ये क्लिप भी एक्चुअली अद्वी ने ही रिकॉर्ड करी है। ये किंग साइज़ डुवे है जो मैंने अद्वी के मैट्रेस के ऊपर इस तरह से लगा दी है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस तरह से वो लेयर में अब इस ब्लैंकेट को या इस डुवे को लेती है और इसके ऊपर मैं एक और उसकी सिंगल वाली डाल देती हूँ। बिकॉज शी इज़ स्टिल लाइक दैट कि रात को सोते हुए कपड़ा ऊपर से उतार देती है, कुछ भी नहीं ओढ़ती है वो। तो मैं थोड़ी सी सिक्योर रहती हूँ। और अद्वी के रूम की इस तरह की क्लिप जो है वो शायद अब आप लास्ट टाइम ही देख रहे हैं क्योंकि अद्वी का रूम कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। तो ये भी एक मेमोरी के लिए ये क्लिप सेव हो गई है कि किस तरह से अद्वी का रूम पहले लगता था। अब जब पूरा रेनोवेट हो जाएगा तभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है हमारा रूम। और यहाँ पे भी मैंने दुबई कवर्स वगैरह सब कुछ ही चेंज कर दिए थे। और ये ट्रैवल प्रिंट की काइंड ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंट वाली मैंने इस बार दुबई कवर लगाई है। शीन से ली थी काफ़ी टाइम पहले और आई थिंक एक ही बार यूज़ कर रही थी। देन आई थॉट कि थोड़ा क्रिसमसी सा प्रिंट है, कर्टेन्स के साथ भी मैच हो रहा है, तो चलो इस बार इसको ही बिछाते हैं। बहुत दिन से प्लेन प्लेन था, इस बार थोड़ा सा जो है वो कलर लेकर आते हैं, थोड़ा सा पैटर्न लेकर आते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा बेडरूम लग रहा है। और अब रात को सारा काम निबट गया था। खाना मुझे एक्चुअली कुछ बनाना नहीं था, दोनों ही चीज़ें रखी हुई थी, बस फुलके ही उतारने थे मुझे। तो डिनर ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है हमारा कि दोपहर को ही मेजर कुकिंग हो जाती है, शाम को तो बस रोटियां बनाने का ही रह जाता है। तो फिलहाल और तो कोई डेकोरेशन नहीं हुई है, बट जल्दी ही करेंगे क्रिसमस डेकोरेशन। और बाहर की जो लाइट्स हैं हमारी वो दिवाली की ही लगी हुई है, तो बाहर तो लाइट्स ऑलरेडी हैं ही। और ये यहाँ पर ट्री स्कर्ट जिसके ऊपर प्यारा सा स्नोमैन बना हुआ है और ट्री भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की रेसिपी, मेरा एक्सपेरिमेंट अबाउट फ्रिज और हमारा क्रिसमस ट्री आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।